वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रोम से आप स्टॉक रोम में कैसे आए। जैसे कि यहाँ पे आप कस्टम रोम यूज़ करते हो तो अगर आपको यहाँ पे फिर से MIUI में आना है तो आप कैसे है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो। तो यहाँ पे जो है अभी मैं पिक्सेल एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा था, तो अभी मुझे जो है MIUI में आना है, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट जो आता है रेडमी नोट 7 प्रो का, जो कि 11.0.10.0 जो कि अभी लेटेस्ट आता है MIUI 11 का। तो कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट अपने डिवाइस को क्या करना है, बैकअप कर लेना है अपने डेटा को, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर बैकअप कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में रख लेना है। तो उसके लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। थोड़े समय के बाद आपका फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। तो डिवाइस देख सकते हो आ चुका है फास्ट बूट मोड में। तो उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को जो है PC से कनेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं मेरे डिवाइस को PC से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं आ चुका हूँ PC में, जो कि यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट आपको यहाँ पे इन ग्लोबल जो कि यहाँ पे वर्शन का आपको जो है फास्ट बूट फाइल मिल जाता है 2.39 GB का। तो इसको जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे MI फ्लैश टूल इसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पे OBE फाइल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वो भी आ जाता है यहाँ पे फाइल, जो कि 47 MB का, इसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर चुका हूँ। तो इसका और इसका दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपको फोल्डर देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको एक अननोन फाइल देखने को मिल जाता है, इसको क्या करना है रीनेम कर लेना है। यहाँ पे आपको .zip टाइप करके इंटर कर लेना है, उसके बाद यस कर लीजिए, जो कि अननोन फाइल से जिप फाइल बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू आपको यहाँ पे कर लेना है, फिर से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा फोल्डर, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इतने सारे फाइल्स देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो कि फोल्डर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इतने सारे फाइल्स देखने को मिल जाता है, एक बार आपको यहाँ पे बैक आना है। एक बार बैक आना है, उसके बाद इसको क्या करना है, कट कर लेना है। यहाँ पे कट करके अपना जो PC है, उसके बाद जो यहाँ पे लोकल डिस्क सी, उसके अंदर आपको Xiaomi नाम का फोल्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं पेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये 11.0.9.0 का है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे Xiaomi फ्लैश टूल इसको ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो फाइल का पाथ आपने कॉपी किया था इसके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि देख सकते हो एक्चुअली में कॉपी हो चुका है। तो फिर से यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, पेस्ट यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो वॉयलेट जो कि 11.0.10.0। उसके बाद क्लीन ऑल चूज़ कर लेना है, एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे जो है इस मेथड में क्या होगा, जैसे कि कस्टम रोम चला जाएगा, उसके बाद जो है रूट चला जाएगा, कस्टम रिकवरी चला जाएगा, जैसे कि TWRP। और अगर आप अपने डिवाइस को बूटलोडर को अनलॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्लीन ऑल एंड लॉक, इसका मतलब आपके डिवाइस का बूटलोडर लॉक हो जाएगा। इस मेथड में बूटलोडर लॉक हो जाएगा, TWRP चला जाएगा, रूट चला जाएगा और कस्टम रोम भी चला जाएगा, आ चुका होगा जैसे कि MIUI 11.0.10.0, जो कि आप फ्रेश डिवाइस जैसे कि बॉक्स से आप निकालते हैं वैसे ही आपका डिवाइस यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे लॉक करना है अपने डिवाइस का बूटलोडर, तो आप बेशक क्लीन ऑनलाइन लॉक चूज कर सकते हो। मुझे तो मेरे डिवाइस का बूटलोडर अनलॉक ही रहना चाहिए, तो इसके कारण यहाँ पे मैं चूज करूँगा क्लीन ऑल। यहाँ पे मेरा TWRP चला जाएगा, कस्टम रोम चला जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे रूट भी चला जाएगा, तीनों चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे MIUI 11 पे, जो कि बूटलोडर अनलॉक के साथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लीन ऑल चूज़ करके यहाँ पे मैं फ्लैश स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि स्टार्ट हो चुका है फ्लैशिंग। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा 200 से 300 सेकेंड्स तक। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है, तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है जो कि 276 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे फ्लैश सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे रेडमी का लोगो भी आ चुका है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल बूट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो कस्टम रोम था यहाँ पे आ जाएगा MIUI 11 पे, जो कि यहाँ पे बैक टू आप आ जाओगे MIUI पे। तो यहाँ पे जो है वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि Redmi Note 7 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।